गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ कैन. ओके स्टूडेंट्स, इन अर्लियर क्लास वी हैव डिस्कस वेयर वी कैन यूज कैन. कैन इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द थिंग्स वी आर एबल टू डू. ओके स्टूडेंट्स, मैंने पढ़ाया था आपको कि कैन हम लोग यूज़ कर सकते हैं. अगर कोई भी चीज़ अगर हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग वहाँ पे कैन यूज़ करते हैं. एंड वी यूज़ कैन नॉट व्हेन वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. ओके, अगर हम लोग कोई काम अगर नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे हम लोग कैन नॉट यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट, ये मैंने आपको पढ़ाया था अर्लियर क्लास में. नाउ टुडे वी विल लर्न we also use can to ask questions. Okay student, हम लोग can से हम लोग question भी पूछ सकते हैं. हम लोग आज ये सीखेंगे इस वीडियो में. Okay students, examples: can I use your pen? क्या मैं तुम्हारा pen use कर सकता हूँ? Yes you can. ठीक है, हाँ तुम कर सकते हो. देखिए इसमें question भी पूछ रहा है. कैन, कभी भी अगर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे कैन से तो कैन हमेशा स्टार्टिंग में होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, और आंसर दे रहा है यस यू कैन. नेक्स्ट, कैन यू सी द हिल? क्या तुम पहाड़ देख सकते हो? द आंसर हैज गिवन नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं देख सकता. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. We ask, हम लोग पूछ सकते हैं can किसके साथ हम लोग यूज कर सकते हैं? He, she, it, we, they, you, I. जैसा देखिए can हम लोग स्टार्टिंग में रखेंगे. Can he sing? Can she sing? Can it sing? Can we sing? Can they sing? Can you sing? ठीक है, ये सब कैन आई सी, ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है, सेम वैसे ही है प्ले बास्केटबॉल में. सेम, कैन ही प्ले बास्केटबॉल? क्या वो बास्केटबॉल खेल सकता है? कैन सी प्ले बास्केटबॉल? ठीक है स्टूडेंट्स, कभी भी हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो हम लोग स्टार्टिंग में कैन यूज करेंगे. ओके, और कैन ये सारे चीज में यूज हो सकता है. ही, सी, इट, वी, दे, यू एंड आई. नाउ सी द आंसर. अब इसका आंसर क्या होगा? वी आंसर यस. ठीक है, और आपको बीच में दिख रहा होगा ही, सी, इट, वी, दे, यू, आई. ये सात जो वर्ब्स है वहाँ पे मेंशन किया हुआ है. तो यस ही कैन, यस सी कैन, हाँ वो कर सकती है, हाँ वो कर सकता है, यस इट कैन, यस वी कैन, यस दे कैन, यस यू कैन, यस आई कैन. ठीक है, अगर हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग इस टाइप में आंसर देंगे यस ही कैन, यस सी कैन. अगर नहीं कर सकते हैं तो हम लोग लिखेंगे नो ही कैन नॉट. ठीक है, आप सेकेंड वाले में देखिए, सबसे लास्ट वाले में नो ही कैन नॉट, नहीं वो नहीं कर सकता. नो सी कैन नॉट, नहीं वो नहीं कर सकती. नो इट कैन नॉट, नो वी कैन नॉट, नो दे कैन नॉट, नो यू कैन नॉट, नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं कर सकता. ओके स्टूडेंट, अगर हम लोग को कोई भी आंसर अगर हम कर सकते हैं तो हम लोग उसमें कैन यूज करेंगे यस आई कैन. अगर हम लोग कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं तो हम लोग यूज करेंगे नो और उसके साथ में ही, सी और कैन नॉट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन 3. ओके स्टूडेंट, लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज टेलिंग. यूज द वर्ड्स गिवन बिलो to write questions and answer with can or cannot. One has been done for you. Student, नीचे में कुछ words दिया हुआ है. ठीक है, हम लोग को question बनाना है can से. ठीक है, write question लिखना है और हम लोग can और cannot से बगल में answer लिखना है. ठीक है, first वाला देखिए example दिया हुआ है. Okay student, first वाला example देखिए. Can, question A में can मंकी क्लाइंब ट्रीज. ठीक है स्टूडेंट, क्या मंकी वो पेड़ में चढ़ सकता? यस दे कैन.
ठीक है, हाँ वो चढ़ सकता है। हम लोग दे क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मंकीज लिखा हुआ लास्ट में एस है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हम लोग दे यूज करेंगे। नाउ इन क्वेश्चन बी, डक स्विम, ठीक है, ये दो ऑप्शन लिखा, हम लोग क्वेश्चन बनाना है। कैन डक्स स्विम, क्या जो डक्स डक्स है वो तैर सकते हैं, तो आपको पता ही है डक्स तो तैर सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे यस दे कैन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन सी। सी, यू प्ले द पियानो, इससे हम लोग क्वेश्चन बनाना है। ओके स्टूडेंट, तो मैंने हमेशा कहा है कि हम लोग कैन यूज करेंगे कभी भी कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो। कैन यू प्ले द पियानो, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आंसर हम लोग कर देते हैं यस आई कैन, हाँ मैं पियानो बजा सकता हूँ। ओके स्टूडेंट, अब डी में देखिए, ए टाइगर फ्लाई, तो टाइगर फ्लाई कर सकता है क्या, तो हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैन ए टाइगर फ्लाई, क्या टाइगर उड़ सकता है, तो ऑब्वियसली बात है टाइगर नहीं उड़ सकता है, तो हम लोग आंसर लिखेंगे नो इट कैन नॉट। हम लोग अब टाइगर के लिए स्टूडेंट हम लोग इट क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि टाइगर क्या है, वो एनिमल है, ठीक है, हम लोग इट यूज करेंगे कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।